जीती जो तो अपनी क्या हालत होगी, बोल मत खाली भाई। अब बोले करो अटैक भाई, अटैक करो जब दुर्ग जीती जो को नहीं लखा जी मेरे भूखा भूख तो लगेगी भी टाइम से। अब कोई इलाज, फिर कोई शानो आदमी आयो, मुराना जी सोगना ही तो थे खाई है तारागढ़ दुर्ग ने तैस मैस करने, बोले खाई तो आई है, एक तरीको है वो जल्दी बता। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के नजदीक मिट्टी को तारागढ़ के जिसो जिसो सेम टू सेम एक दुर्ग बनाओ, भी दुर्ग पर हाड़ा चौहान छोड़ दो। क्यों हाड़ा कने? बोले हाँ है एक आदमी है अपने कहीं छोड़ दिया, नाम हो कुंभकर्ण, कुंभकर्ण हाड़ा ने छोड़ दियो इन दुर्ग पर। बोल थे जाइयो सेना लेके, नॉर्मल यहाँ सी नाटकबाजी करिए, छोटी मोटी लड़ाई सी कर लियो, एरबिंग बाद दुर्ग ने तैस मैस करके रोटरी खा लियो। बोले एकदम सही प्लान है, दुर्ग पे किसको छोड़ दिया? कुंभकर्ण को। ये हाड़ा था चौहान था, 300 इसके पास सैनिक थे, 300 सैनिक भी दिए, इसको पूरा माहौल बनाना है लड़ाई का सा। अब पता नहीं इसके मन में क्या आई कुंभकर्ण के, इसे एक फीलिंग आई कि मैं असली दुर्ग की रक्षा कर रहा हूं, क्योंकि मैं हाड़ा चौहान हूं और जब तक मैं हाड़ा चौहान में हूं तब तक हाड़ाओं का दुर्ग नहीं जाने दूंगा दूसरी से। इसने अपने सैनिकों से कहा कि देखो रक्षा ही करनी है, माटी को करनी है, लाखें तो मारना दियो बकियां सटा दियो। दोनों लड़िया, कुंभकर्ण भी मारे गए, लड़ाई हुई, कई लोग मारा गया, लेकिन लास्ट में दुर्ग जीत के तैस महस करके रोटड़ी खा ली। तारागढ़ जैसा हो बहु मिट्टी का दुर्ग बनाकर किसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की? लाखा। ठीक है, लाखा की इतनी बात है, एक जोटिंग भट्ट धनेश्वर भट्ट नाम का विद्वान है, लिखने वाजा, मुकल की कोई बात है नहीं, चाचा मेरा ने इसकी हत्या कर दी, नया मारना आएगा कुंभा जिसको कल लिखेंगे, अब लिखो। एक और है,